नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। तथागत भगवान बुद्ध हम लोगों को पुण्य करने का बहुत तरीका बताए हैं, खास करके तीन प्रकार से हम लोगों को पुण्य कर सकता है। उन्होंने कहा, दान देने से पुण्य मिल जाता है तथा सील सुरक्षा करने से भी पुण्य मिल जाता है तथा भावना करने से पुण्य मिल जाता है। उन तथागत ने दिखाया, दान देने से भी ज्यादा सील सुरक्षा करने से पुण्य मिल जाता है। सील सुरक्षा करने से भी ज्यादा ध्यान करने से मिलता है, लेकिन वो उसमें से अगर मैत्री ध्यान करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्राप्त हो जाता है। आसमान में जितना तारा भरा हुआ तब भी उसी तारा से प्रकाश हो जाता है धरती? कम से कम आसमान प्रकाश हो जाएगा नहीं है, लेकिन वो सारे ताराओं का प्रकाश को हरा कर चांद चमक रहे हैं। एक चांद करोड़ों ताराओं से ज्यादा प्रकाशमय है, चमक रहा है। वैसे ही है सारे पुण्य में से सबसे ज्यादा चमक रहा है मैत्री ध्यान करने से मिलने वाले पुण्य। तथागत भगवान बुद्ध ये बात बता दिए हैं। इसीलिए हम लोग बहुत प्रयास करना चाहिए, मैत्री ध्यान करके पुण्य कमाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग आदत बना दिया तो आराम से कर सकता है। शुरू शुरू में सारे लोगों के मैत्री ध्यान करना, मैत्री विचार करना मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैत्री मन प्रयास किया तो, थोड़ा थोड़ा मैत्री भावना किया तो, मैत्री साधना करेंगे तो मैत्री विचार करके बहुत पुण्य कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक गलती है, प्रॉब्लम है। बहुत लोग कहते हैं हम लोगों को ध्यान करने का समय नहीं है, घर द्वार का बहुत काम भरा हुआ है तथा पढ़ाई का काम है, जहाँ रहता है वहाँ का काम है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन लोग ऐसे सोचकर ध्यान करने के लिए जो मौका है वो छोड़ देता है। इसीलिए हम लोग मनन करके समझना चाहिए ध्यान करने के समय कैसे आ जाएगा। घर का काम करते रहते समय, शायद पढ़ाई करते समय, कहीं जाते समय, काम करते समय, हर जगह मैत्री विचारों के साथ रहने का आदत रख दिया तो हम लोगों को मैत्री मन से जीवन बिता सकते हैं। ये मतलब कहीं भी हम लोग कुछ करेंगे तो, जाएंगे तो, शरीर मन वाणी से कुछ भी आचरण करेंगे तो मैत्री होना चाहिए। शरीर का आचरण में मैत्री होना चाहिए, वाणी का बातों में मैत्री होना चाहिए, मन के विचारों में मैत्री होना चाहिए। ये शुरू शुरू में हम लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ने के बाद आराम से हम लोगों को ये मैत्री मन बढ़ा सकता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, आदत आने के बाद आराम से कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं आएगा। हम लोग बहुत सावधानी से शुरुआत करना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दिन प्रतिदिन रोज ये मैत्री मन अच्छे से प्रयास करेंगे तो
हम लोग को सफलता पा सकते हैं। इसलिए सभी लोग अपना घर में, स्कूल में, आश्रम में, मंदिर में या तो कहीं भी अपना काम करते समय हर एक काम मैत्री विचार को लेकर के ही करना चाहिए। कैसे? दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का दूसरे सारे लोग सुखी हो, ये मेरा जितना काम होता है सारे काम से दूसरों को आसान पड़े, आराम से रहे, वैसा विचार होना चाहिए। तो आप लोग इस आश्रम में हो या कहीं भी काम करते समय ऐसे सोचेंगे तो हम ये जो कुछ काम करते हैं इसी काम से ये आश्रम रहने वाले लोग सुखी हो, हम ये जो का कुछ अभी कर रहा है बाकी लोग सुखी हो, आराम से रहे, किसी को तकलीफ ना हो, वैसा विचारों के साथ अगर आप काम करेंगे तो निरंतर आप मैत्री प्रयास करने वाले महान व्यक्ति बन जाएंगे। ऐसा है तो कहीं भी आप कुछ भी रखेंगे तो सामान, या तो फिर कुछ भी देख लिया तो कहीं पे क्या हुआ, सही जगह रखने का ख्याल रखिए मैत्री विचारों के साथ। कैसे? सोचिए कहीं चम्मच पे क्या हुआ है, क्या के रखते थे, कोई मिस्टेक से गलती से यहाँ रख दिया है, उसको आसान पढ़ने के लिए हम ये ले जाकर किचन में रख देंगे, इधर तकिया बहुत गंदा हो गया है मंदिर का, घर का, तो सारे तकिया का खोल हम कल पीट देंगे ताकि सोने वाले लोगों को आराम से नींद आए, सभी लोग आराम से सो जाए, वैसा विचार करके तकिया खोल धो सकते हैं मैत्री, फिर कंबल धो सकता है आराम से, सभी लोग अपना शरीर को ओढ़ कर सो जाए। अभी कैसे सोता होगा लोग, गंदगी कंबल है तो दुखी मन से सोना पड़ता है, मुंह बंद किया तो श्वास नहीं ले पाता, मजबूरी में बंद करके सोना पड़ता है, तो कंबल अगर धोएंगे तो आराम से सो जाते हैं, तकिया गंदा है, चटाई गंदा है तो धो दिया तो आराम से लोग बैठ जाएंगे, खाना खाने का जगह साफ है तो आराम से लोग खाएंगे, किचन गंदा है तो साफ करने के बाद लोग आराम से किचन में आकर के अपना काम करेंगे। तो उसके लिए आप लोग ने सहायता किया है तो उसी माई उसी पुण्य आप लोगों को वो सारे काम करने से सोचना चाहिए। हम अकेले करते हैं सब, हम सब करते हैं, या तो फिर हम ये काम करने से हमको लोग अच्छा कहेगा, वो मैत्री विचार नहीं है। अच्छा कहेगा सोच के करेंगे तो लाभ सत्कार इंतजार करके करते हैं, हम ये करते हैं अच्छा ही बोलेगा कोई देख लिया तो इसीलिए हम करते हैं, वैसा भी अच्छा है लेकिन वो तो लाभ सत्कार की आशा है ना। ऐसा करना चाहिए जो कुछ हम अभी कर रहे हैं काम, इसी काम से सारे लोगों को अच्छा सुविधा हो, थकिया को दो सुंदर विचार कर सकते हैं ना, इसी पर जो कोई सिर रखते हैं उन सब को आराम से नींद आए, सुखी नींद आए, ऐसा सोच के धो सकते हैं कि नहीं, तो वो उसी प्रकार शरीर का आचरण से, वाणी का आचरण से, मन की विचारों से आप लोग मैत्री प्रयास करने के लिए कोशिश करना चाहिए। समझ में आ गया? उसी प्रकार दिन प्रतिदिन अगर मैत्री विचार प्रयास करना शुरू कर देंगे तो शुरू में मुश्किल हम बताएं, फिर भी आप ऐसा करने के लिए कोशिश करेंगे तो आप लोग इस संसार में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली इंसान बन सकते हैं। तो आप सभी लोग भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य होने के नाते आप लोगों को हम लोग आशीर्वाद करते हैं, आज से दिन प्रतिदिन मैत्री विचारों के साथ रह करके सारे देवता तथा मानव का कल्याण के लिए मैत्री आचरण करके, मैत्री विचार से बात करके, मैत्री संकल्प लेके रहने का भाग्य मिल जाए।